वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एकदम मस्त, जबरदस्त। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब मेरा काम कम, आपका काम ज्यादा है, ये आखिरी का प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं और फिर जो भी जबरदस्त बात, जो भी प्रैक्टिस करने का है वो आपकी बारी है। मैं मस्त बैठ के आराम करूंगा। एक और बात मुझे बता देने का है कि ये लेक्चर मेरा जैसे ही खत्म हो जाता है और आप जैसे ही देख लेते हो, उसके बाद में हम लोग लाइव आएंगे। जब तक हमारा दूसरा कोई मोड सेट नहीं होता लाइव आने का, तब तक हम जूम पे लाइव आएंगे, ठीक है? और ये जूम पे लाइव कब आएंगे कब नहीं, ये मैं आपको एक मैसेज के जरिए, एक नोटिफिकेशन के जरिए बता दूंगा। सारे के सारे मेरे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर लाइव आइएगा। इस जो हमारा डिस्कशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा डिस्कशन रहेगा, और इसमें हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे असाइनमेंट के बारे में, ठीक है? असाइनमेंट में आगे कैसे सॉल्व करना है, क्या है, यही डिस्कशन हमारा मेनली रहेगा इसमें, ठीक है? इसके अलावा और कोई भी डिस्कशन नहीं रहेगा मित्रों, ठीक है? चलो मिलते हैं, आ जाते हैं, जहां जाते हैं छा जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी यहां पे हमारा खत्म होने वाला है असाइनमेंट। इसके बाद में जो भी रहेगा, हम लोग लाइव डिस्कशन तो कर ही लेंगे, और उसमें जो जो भी असाइनमेंट में आपके जो भी दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं रहेंगी हमारी, शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग रखेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 का। मित्रों, क्या बोला हुआ है इस प्रॉब्लम में? इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट लेआउट। अगर मैं सही ढंग से बताऊं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ऐसा का ऐसा थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इसको वापस एज अ नया क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको असाइनमेंट पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये चैप्टर के अंदर दो टॉपिक है, असाइनमेंट और सिक्वेंसिंग। तो असाइनमेंट हमारा लगभग खत्म हो रहा है और अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारी शुरुआत होने वाली है सिक्वेंसिंग पे, ठीक है? अभी तो इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं मित्रों। इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट लेआउट, प्लांट के लेआउट का कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है फैक्ट्री के अंदर, जिसमें नए मशीन्स लाए, कुल मिला के चार नए मशीन्स लाए। नाम है इन मशीन का M1, M2, M3, M4। अब इन चार नए मशीन्स को इंस्टॉल करने का है अलग अलग जगह पे। जब देखा गया तो पता चला कि फैक्ट्री में कुल मिला के 5 वैकेंट प्लेसेस है, खाली जगह है जहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में तो मशीन 4 ही है, जगह भले ही 5 होगी लेकिन मशीन कितनी है? 4। तो 4 मशीन 5 जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये 4 मशीन कोई भी 4 जगह पे इंस्टॉल होगी और एक प्लेस खाली रहेगी। अच्छे से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, है ना, काम आएगा। अब वैसे भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा, सर ये क्वेश्चन जो है ना सर, अनबैलेंस्ड है। हम लोग बैलेंसिंग करते रहते तो उसमें क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है ना, मशीन 4 है और प्लेसेस 5 है, यानी कि क्या होने वाला है सर? सर और कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है सर, हम एक डमी मशीन इंस्टॉल करेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, ये लेक्चर तो मैं तो लेने ही वाला हूं, मैं एक्सरसाइज तो मुझे ही सॉल्व कर देने का है आप लोगों को, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ये रहती है कि ये आप खुद पहले सॉल्व करें और फिर लेक्चर देखें, अगर कहीं रुकावट हो तो,
जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए एकदम जबरदस्त है, एकदम मस्त है मित्रों, ठीक है। तो ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग डमी मशीन। इतना तो अभी क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब आगे और कुछ दुविधा दिया है इसके अंदर, और भी कुछ दिक्कतें हैं। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, ये कुछ स्पेस जो है ना थोड़ी कम है, इस चक्कर में ये मशीन M2 है ना नहीं प्लेस कर सकते। कहां पे? सी वाले जगह पे। हमारे पास में जो लोकेशन है उसमें से सी नाम की जो लोकेशन है वहां पे M2 हम प्लेस नहीं कर सकते। कुछ दुविधा है, दिक्कतें है, जगह कम है, मशीन बड़ी है, इस कारण के वजह से हम लोकेशन सी पे मशीन 2 को नहीं ले जा सकते, किसी भी हालत में असाइन नहीं कर सकते। याद आ रहा है क्या ऐसा क्वेश्चन एक देखा था हमने? ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, indefinitely high cost को ले लेते हैं, infinite machine 2 और location C पे हम लोग infinite cost ले लेंगे, ठीक है। And machine 3 cannot be placed at A, ऐसा ही machine 3 जो है वो भी हम place नहीं कर सकते, करके कहां पे प्लेस नहीं कर सकते हैं, लोकेशन ए पे। तो फिर वहां क्या करना पड़ेगा, वहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे और इनफाइनाइट कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग अ मशीन एट अ प्लेस, मशीन जो लोकेट हो रही है किसी दूसरे जगह पे, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज में है। यानी ये जो नीचे दिया गया है, यानी ये 9 जो दिख रहा है ना, ये 900 है, ये 11 यानी 1100 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, आखिरी में जब असाइनमेंट का शेड्यूल बनाएंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तब हम लोग वहां बराबर 900 वगैरह लिख देंगे। दैट इज नॉट द बिग डील, हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। अब तो अल्टीमेटली एक अच्छी बात यह है कि ये कॉस्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमाइजेशन। ये एक अच्छा है, अगर प्रॉफिट रहता था तो हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन रहता था, फिर तो हमें उसे हाईएस्ट एलिमेंट में से माइनस करके पहले मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता था। सर सारा क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया है सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन सर अच्छे से समझ में आ गया है, अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर, करते हैं फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चीजें देखिएगा मित्रों कैसी हैं, चीजें ऐसी है कुछ। तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं इसका, यहीं पे सबसे नीचे के साइड में लिख लेता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोगों को दो बातें चेक करना पड़ता, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कौन सी दो बातें चेक करते रहते हम, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा बैलेंसिंग चेक। ऑब्जेक्टिव क्या है मित्रों हमारा, आप ही बताए ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो सर हमारा मिनिमाइजेशन ही है, क्योंकि कॉस्ट दिया है। ऑब्जेक्टिव की बात तो खत्म हो गई, अब बारी आ रही है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में बताइए मित्रों क्या खास बात है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे चाहिए, सेम टू सेम। देखते हैं सही में सेम टू सेम है या नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है 4 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5। तो ये सेम टू सेम है या सेम टू सेम नहीं है सर, सेम टू सेम नहीं है। यानी बैलेंसिंग यानी में कैसा है कि ये मैट्रिक्स अनबैलेंस्ड है। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं,
इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि गिवन मशीन ये अनबैलेंस्ड है, गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड एज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, वी कैन इट कैन बी बैलेंस्ड इट कैन बी बैलेंस्ड by introducing, इसको हम balance कर सकते हैं by introducing dummy machine, M5, नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कभी तो भी देखा था ऐसा ही एक क्वेश्चन, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है M5 देना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे बोर्ड को फॉलो करने की, और बोर्ड की आदत है कि बोर्ड क्या करती है ऐसा ही कंटिन्यूएशन में M5 नाम दे देती है। एज फार एज ICAI इज कंसर्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जब भी डमी रो या कॉलम इंसर्ट होता है तो वहां पे नाम हम डमी ही देते हैं ICAI के इंस्टीट्यूट में। लेकिन हमें अभी जैसा बोला गया, हमारे टेक्स्ट बुक में जैसा फॉलो किया, हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। तो डमी मशीन इंसर्ट कर रहे हैं और उसका नाम दे देते हैं M5, और ये डमी मशीन में कॉस्ट क्या ले लेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स की जीरो है ना, विथ जीरो कॉस्ट एट ऑल लोकेशंस, क्योंकि ये डमी है, इसकी कॉस्ट कुछ तो भी इंसर्ट करना है, तो हमने कितना इंसर्ट कर दिया, जीरो है ना। ये फ्लॉप असाइनमेंट है, यहां कोई असाइनमेंट होगा भी, कोई मशीन यानी M5 ये कोई मशीन है ही नहीं ना, तो ये किसी भी लोकेशन पे असाइन हो जावे, एक्चुअल में वो कोई काउंट करने वाले नहीं है। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ रही है ना आपको, तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक और बात बोला हुआ है, M2 और C के जगह डैश है, M3 और A के जगह डैश है, व्हाट इट मींस, सर हमने ये बात क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका मतलब ऐसा होता है सर कि M2 ये मशीन, C इस लोकेशन पे फिट नहीं हो रही है, व्हाट एवर द रीजन, लिमिटेड लोकेशन एंड एक्सेट्रा ऑल, ये M3 ये मशीन लोकेशन A पे असाइन नहीं हो रही है सर, ये कुछ दिक्कतें दुविधा है हमें पता है सर, ये दुविधा दिक्कतें हमें जरूर पता है। तो फिर ये बात हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त भी ये बात को लिखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं है ना, एज मशीन M2 कैनॉट बी placed at location C and machine M3 cannot be placed at location A, hence we use indefinitely high cost, say infinite, है ना, to assign
टू असाइन करस्पॉन्डिंग मशीन एट लोकेशन एट रिस्पेक्टिव लोकेशन मतलब समझे क्या मित्रों इसका मतलब यह है कि वो जो पर्टिकुलर मशीन पर्टिकुलर लोकेशन पे असाइन नहीं हो सकती किसी भी कारण के वजह से, वहां पे हम लोग जो है इनडेफिनाइटली हाई क्वांटिटी ले लेंगे, इनफाइनाइट, यानी इतना महंगा जा रहा है। और हमारा जो असाइनमेंट है ना, वो तो मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ में जाता है, वो कम से कम कॉस्ट वाले को ही सिलेक्ट करता है, तो वो वहां पे प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करेगा, उसको लास्ट रिसोर्ट में रखेगा। और एक्चुअल में वैसे भी है ना, तो वो बराबर उन दोनों को असाइन होने ही नहीं देगा, दूसरे ऑप्शंस को वो असाइन कर देगा। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत ज्यादा ही लिख लिया इस स्लाइड पे। ठीक है, चलता है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। अब आ जाते हैं सबसे पहली स्टेप। तो इसमें हम लोग सबसे पहली स्टेप लिखने से पहले हम लोग इसके अंदर, मैं सारे के सारे मशीन से लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई, ये लोकेशन से, और मशीन्स एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, ये सारे के सारे लोकेशंस भी हम लोगों ने लिख लिए। अब बारी आती है, क्या क्या है बारी देखो ना, 9, 11, 10, 11, 12, 9, इनफाइनाइट, जहां पे डैश था वहां हम लोगों ने पर्पसफुली, कौन सा फुली, पर्पसफुली इनफाइनाइट लिख लिया, 10, 9, इनफाइनाइट, यहां पे भी डैश था तो इनफाइनाइट, 11, 14, 11, 7, 14, 8, 12, 7, 8, और ये तो M5U डमी मशीन है, तो यहां पे तो हमने सारे जगह पे क्या ले लिया है मित्रों, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है, ये सारी की सारी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है मित्रों, ऐसी बात है मित्रों। तो चलो रे भाई आगे बढ़ते हैं, जहां जाते हैं तो ये सारी की सारी बात हम लोगों ने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सर स्टेप वन क्या करना पड़ेगा ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतना कैपेबल हो कि अब आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व, आप मुझे बताए कि क्या करना है, आप मुझे बताओगे। आपने बता दिया सर पहले तो आप स्टेप वन लिखो, लिख लिया, क्या करते रहते हम लोग स्टेप वन में, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर एक रो में से माइनस करते रहते, सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो, उस रो के एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो, ठीक है, उस रो के सारे एलिमेंट में से। अब मुझे एक बात बताओ, एक और बात,
जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, आप ही बताओ M5 के रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट नहीं, जीरो। अब ये कॉलम मिनिमा करने के लिए हम रिस्पेक्टिव कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करते, तो अगर मैं कॉलम मिनिमा कर भी लू तो भी आंसर क्या आएगा? ये का यही जो रो मिनिमा के बाद में आया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी के लिए हम यहां पे लिख देते हैं कॉलम मिनिमा भी, स्टेप टू भी मैं एक ही साथ में लिख लेता हूं, बिकॉज रो मिनिमा के बाद में जो आंसर आएगा वही आंसर काय का रहेगा? कॉलम मिनिमा का, क्योंकि सब में से जीरो ही माइनस होगा, है ना, तो वो जैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहां पर लिख देता हूं सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी सी डी ई एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव। ठीक है, दिख तो रहा है ना ये, यस, एम फाइव एम फोर एम थ्री एम टू और एम वन। ये बोर्ड ज्यादा ही पीछे हो गया मेरे, चलो ठीक है, चलते रहता, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। चलो, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट आप बताए कौन सा है? सर नाइन, करो माइनस, नाइन माइनस नाइन जीरो, इलेवन माइनस नाइन टू, फिफ्टीन माइनस नाइन सिक्स, टेन माइनस नाइन वन, इलेवन माइनस नाइन टू। अब यहां पे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है आप ही मुझे बताओगे मित्रों? इसमें सबसे छोटा एलिमेंट नाइन है सर, ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री, नाइन माइनस नाइन जीरो, इनफाइनाइट माइनस नाइन इज इनफाइनाइट वन जीरो। यहां सबसे छोटा एलिमेंट सेवन है, इनफाइनाइट फोर सेवन फोर जीरो। यहां सबसे छोटा एलिमेंट अगेन सेवन है, तो क्या आ जाएगा? सेवन वन फाइव जीरो वन, और यहां सबसे छोटा एलिमेंट जीरो ही है, तो ये सब जैसा का वैसा। अब हमारे दो चीजें हो चुके हैं, रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा। रो में से मिनिमम एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं, कॉलम में से भी मिनिमम एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं, क्योंकि जीरो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा इसके बाद में तो आंसर जीरो ही रहेगा। तो अब सर, अब क्या करने का है? लाइन मारो आंदोलन, लाइन मारो आंदोलन। चलो आंदोलन की तैयारी करते हैं मित्रों। तो ये स्टेप थ्री लिख लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे स्टेप थ्री। क्या लिखूं मैं स्टेप थ्री के अंदर मित्रों? स्टेप थ्री के अंदर मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सब्सट्रैक्ट काय को, सॉरी मैं गलत लिख दिया, मैं थोड़ा सा बह गया, या तो ड्रॉ लाइंस करना है ना, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने का है ना। तो चलो हम मैट्रिक्स पूरा का पूरा लिख लेते हैं, पहले ए बी सी डी ई,
ये मैं ऊपर ही लिखता हूँ ना, ABCDE, M1, M2, M3, M4, M5, 0, 2, 6, 1, 2, 0, 2, 6, 1, 2, 3, 0, infinite, 1, 0, 3, 0, infinite, 1, 0, infinite, 4, 7, 4, 0, infinite, 4, 7, 4, 0, 7, 1, 5, 0, 1, 7, 1, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ये हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रॉब्लम लिख लिया है। अब हमें शुरुआत करना है लाइन मारो आंदोलन की। तो इसमें सबसे ज्यादा जीरो कवर हो रहे 5, मार दू, इधर 3 ही कवर हो रहे, इधर 2, ये सबसे ज्यादा कवर हो रहे। पहले इसका किस्सा खत्म करो, मार दिया सर। अब इधर 2 0 कवर हो रहे हैं, इधर भी 2 0 कवर हो रहे हैं, तो इधर मार दो फिर, ये 2 0 कवर हो रहे हैं, इधर करो, एक ही बात है। अब ये बेचारा अकेला ही है, इसको भी क्यों छोड़ते, ये बेचारा अकेला ही है, इसको भी क्यों छोड़ते, और ये बेचारा अकेला है, इसको भी क्यों छोड़ते। अब चीजें ध्यान में ऐसी आ रही है सर कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम हो गया, हमारे फेवर का काम हो गया है कि नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। तो हमें चेक करना पड़ते रहता, अभी चेक कर लेते, चेक नंबर ऑफ रोज अब्लिक कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। रो या कॉलम 5 है, नंबर ऑफ लाइन भी 5 है। चलो रे भाई, ज्यादा दिक्कत वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं। पहला ही क्वेश्चन, यानी सॉरी पहला क्वेश्चन नहीं, पहले ही लाइन मारो आंदोलन में किस्सा खत्म हो गया है ना। हंसी तो फंसी, समझ में आ गया ना आपको, पहली बार के लाइन में किस्सा खत्म, ऐसी बात है। हाँ अब चलो देख लेते हैं, स्टेप 3 तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते रहते हैं, स्टेप 4 में हम लोग करते हैं असाइनमेंट। तो मैं लिखता हूं यहां पे स्टेप 4, मेक असाइनमेंट थ्रू जीरोस। जीरोस के मदद से हम लोग असाइनमेंट करेंगे मित्रों, ABCDE, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है, 0, 2, 6, 1, 2, 3, 0, infinite, 1, 0, infinite, 4, 7, 4, 0, 7, 1, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ये सारा का सारा असाइनमेंट हम लोग करेंगे। चलो मित्रों, तो असाइनमेंट करने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है सर, हम प्रायोरिटी देते रहते, काहे को प्रायोरिटी देते रहते, जिस रो या जिस कॉलम में एक ही जीरो है उसे हम प्रायोरिटी देते। तो यहां एक है, पहले रो के पहले कॉलम में हो
तो इसमें एक ही जीरो है तो इसको प्रायोरिटी है ना, इसमें दो है, इधर एक ही जीरो है तो इधर प्रायोरिटी, इधर एक ही जीरो है तो इधर प्रायोरिटी दे दिया। अच्छा यहाँ प्रायोरिटी देते वक्त इधर क्लोज कर रहा हूँ मैं, इधर मैंने दिया ही नहीं प्रायोरिटी, इधर देने के बाद में इस कॉलम में जितने भी जीरो है उसको क्लोज कर दिया, इस कॉलम में जितने भी जीरो है क्लोज कर दिया। अब जिस कॉलम में एक जीरो है वहाँ देख लेते, यहाँ एक जीरो है तो यहाँ असाइनमेंट दे दो, भले ही ये डमी है मेरे कोई काम की बात नहीं है, बट फिर भी मैंने दे दिया असाइनमेंट। और यहाँ पे हमारे पांचों असाइनमेंट पूरे हो चुके हैं, आखिरी में हम लोग बनाएंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन थ्रू असाइनमेंट शेड्यूल, आखिरी स्टेप में हमारा आंसर रहेगा स्टेप फाइव ऑप्टिमम सॉल्यूशन असाइनमेंट शेड्यूल। असाइनमेंट शेड्यूल के थ्रू हम ऑप्टिमम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मशीन्स, मशीन्स M1, M2, M3, M4, ये डमी मशीन है लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, यहां कॉस्ट भी जीरो ही आने वाली है। अब बारी है काहे की मशीन्स के बाद में लोकेशंस की, प्लेसेस की। लोकेशन, अब हमें क्वेश्चन बताएगा M1A पे कितना ओरिजिनल मैट्रिक्स में हम लोगों को दिखेगी कॉस्ट, 9 है ना, सॉरी मैं अभी तो मुझे सिर्फ लोकेशन ही लिखने का है ना रे, M1A, M2B, M3E, M4D, M5C, ये डमी है लेकिन। और अब लिखेंगे यहां पे कॉस्ट, अब आप ही मुझे बताए कि इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट मैं लिखते वक्त लिखूंगा कॉस्ट, यहां पे जो हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है वो कवच, वही इन 100 रुपीज, इन 100 रुपीज। तो बताए M1A ओरिजिनल मैट्रिक्स, M1A 9 रुपए बराबर है ना, M1A 9 रुपए, M2B 9 रुपए, M3E 7 रुपए, ये एक्चुअली 7 रुपए नहीं है, इन 100 रुपीज 700 रुपए है, M4 और D का 7, और M5E ये तो डमी है, इसकी कॉस्ट 0 है, यानी कि टोटल निकालना पड़ेगा मित्रों। और ये जो टोटल आएगी, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ना यार लाइन में, अच्छा लगेगा। और ये जो टोटल आएगी मित्रों, टोटल रहेगी 9, 9, 18, 18 और 7, 7, 14, 18 प्लस 14 यानी कि 32, 32 है ना। आखिरी में फाइनल है ना, फाइनल आंसर लिख लेंगे इसका, देयरफोर मिनिमम कॉस्ट टू
ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल इज ऑफ रुपीज 3200। 300 इसके लिए लिखा है क्योंकि ये 100 रुपीज में कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म, छठवें नंबर का। अब सारी मेहनत आपके ऊपर है, आपको कंप्लीट करना है, और हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे थ्रू जूम मीटिंग। बाकी सारी चीजें आपको मैसेज आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उस नोटिफिकेशन के जरिए जरूर मिलेंगे। वैसे भी काफी दिन हो चुके हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई। मीटिंग में प्योर डिस्कशन हमारा सिर्फ असाइनमेंट का रहेगा, मैट्राइसिस के लिए हम लोग सेपरेट मीटिंग लेंगे अगर जरूरत पड़ी टेस्ट के पहले तो। ठीक है, मैट्राइसिस में मैं मीटिंग के बीच में डिस्कशन इसके लिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम है, एक आधे बच्चे को एक छोटी क्वेरी रहेगी या बड़ी भी क्वेरी रहेगी तो वो पूरा का पूरा यानी सॉल्व करना प्रॉब्लम वो मुश्किल है। चीजें छोटी छोटी है उसमें भी, बट उसके लिए भी जरूरत पड़ी तो जरूर हम लोग मीटिंग लेंगे। जो लोकल में है, अमरावती में है, और वो अगर ऐसा उनको डर न लगते हुए आ सकते हैं तो डिफिकल्टीज के लिए ऑफिस में आ सकते हैं बिल्कुल। 12 से 2 मैं बिल्कुल ऑफिस में ही रहता हूँ और मेरे लेक्चर्स भी नहीं रहते, तो हम आराम से मिल सकते हैं और आपके डिफिकल्टीज भी रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।